सामान यहाँ पे पूरा पैक हो चुका है, बड़े रेडी है, छोटे रेडी है, और रूम बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बट इसको अभी टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर चैनल ट्रैवल विद छोटे एंड बड़े। और आज है डे 11, आज है जनवरी 10, और हम लोग अभी यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं इस होटल से, और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे होटल में। यहाँ का जो फूड है वो मुझे इतना खास नहीं लगा, मतलब हम लोग का कल मूड ऑफ हो गया। बाकी रूम तो भाई एक नंबर रूम है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रूम है ये। तो रूम की तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन जो प्रॉब्लम थी वो हमें फूड की थी। तो वैसे बड़े सर, आप कुछ कहना चाहोगे? मुझे भी एक बात कहनी थी। इन्होंने कोविड के कारण जो भी टॉयलेटरीज थी वो भी रखी नहीं थी, तो उन्होंने वही बोला कि हम लोग लास्ट 7 महीने से होटल बंद था, तो टॉयलेटरीज कुछ इतना अवेलेबल नहीं था, तो वो भी हम लोग का एक प्रॉब्लम हुआ था। मतलब हम लोग को मॉर्निंग में उठ के आजकल आपको हर जगह पे नेस्कैफे का मिल्क मेड मिल जाता है पाउडर, और फिर आपको चाय कॉफी वगैरह कुछ भी वहाँ पे मिल जाते हैं डिप करके, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था अवेलेबल। भाई फिलहाल अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और यहाँ पे हो गया हमारा सामान रेडी, तो हम लोग यहाँ से चेकआउट करते हैं और मिलते और यहाँ से जाते हैं दूसरे होटल में। चलो सर। हम लोग जो है होटल से निकल चुके हैं अभी यहाँ से, और हम लोग ने यहाँ से बुक की है उबेर, और उबेर में हमारे साथ है देवेंद्र जी। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं नोवोटेल के लिए। गाइज, अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं नोवोटेल के अंदर, बज रहे 2 और हमको रूम मिल गया है। और रूम नंबर क्या है छोटे? 421। ओके, तो लगेज भी हम लोग का ले लिया है, और अभी जल्दी से जल्दी लेट ना करते सीधा रूम में मिलते हैं। गाइस, तो अभी ये देखो हमारा रूम 421। छोटे ने हर टाइम छोटे रूम टूर देता है, तो आज जब ये बड़े ट्राई करता है। जैसे रूम में एंटर होंगे आपको सामने 2 कबर्ड मिलेगा, एक मिरर है सामने, देन यहाँ पे वॉशरूम। तो वॉशरूम में वेस्टर्न सीट वाला टॉयलेट है, आपके यहाँ पे टॉयलेटरीज दी गई है, देन इधर हेयर ड्रायर है सामने, यहाँ पे शॉवर टॉवल्स। जैसे ये सेकंड कबर्ड ओपन करेंगे आपको एक लॉकर दिया गया है, यहाँ पे नीचे लॉन्ड्री बैग्स है। जैसे ही एंटर करेंगे अंदर और, तो आपको किंग साइज बेड मिल जाएगा, और इसकी क्वालिटी काफी एकदम सॉफ्ट है। देन यहाँ पे एक आपको छोटा सोफा दिया है, टेबल है, एंड यहाँ पे आपको चेयर दी गई है। देन ये जो व्यू है जबरदस्त, एकदम सिटी व्यू। जो सामने जो भी होटल्स है सब 5-स्टार होटल्स है, और नोवोटेल भी 5-स्टार होटल ही है, एक लाइन में ही है सब। तो बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगी टी एंड कॉफी। ये कुछ हमारा रूम है। मेरे एक फ्रेंड है वो आ चुके हैं यहाँ पे, और उसको ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट ये उसको देना है, क्योंकि वो अभी है फिलहाल दिल्ली में और वो आ नहीं पाई थी, तो उसको ये देना है, तो इसके लिए मैं उसको देने जा रहा हूँ नीचे। अभी देखते हैं वो कैमरा से फ्रेंडली है कि नहीं, इफ होगी तो आपसे ज़रूर मिलवाऊंगा, नहीं तो फिर ये उसको दे दूंगा। हेलो, कैसी है भैया? ये लो आपका रिजल्ट, चेक कर लो इसको। सो गाइस, ये मेरी फ्रेंड आकांक्षा, और हम लोग कॉलेज में साथ में थे। जनता लोग, अभी बज रहे हैं 9, और हम लोग ने मंगाया है जोमेटो से एक पिज्जा। कौन सा पिज्जा है?
ये क्या बता क्या बता कोई चीज़ नाम भूल गए, बहुत अलग ही नाम था एकदम कुछ उसके अंदर ये था ना पालक था ना अंदर तो इसके अंदर पालक था और ये है गार्लिक ब्रेड और एक चीज आने वाली है कुछ क्या मंगाया दूसरा पास्ता है ना कोई तो अभी जल्दी से ये देखो अभी मैं ओपन करता हूँ इसके अंदर अच्छा ये लोग ने ऑरेगन वगैरह दिया ऑरेगन वगैरह है इसके अंदर है मेरा फेवरेट क्या है अच्छा हाँ इसके अंदर वही दिया हाँ ये आपका गार्लिक ब्रेड और इसके अंदर है हमारा सबका फेवरेट पिज्जा अरे कौन सा पिज्जा है क्या पता भाई बहुत मस्ती हो गई अभी लोग देखकर ये क्या कर अलग ही ये पालक है इसके हाँ, इसके अंदर है ना हाँ पालक था पालक तो ये टोमेटो है क्या है वो इसको चेरी टोमेटोस बोलते हैं ये गार्लिक है बहुत गार्लिक को एकदम अच्छे से रोस्ट किया हुआ है और एक पास्ता अभी आने वाला है अभी और 15 टू 20 मिनट्स लगेंगे बहुत मस्ती मजाक हो गई तो बस अभी यहाँ पे खाते हैं जल्दी से जल्दी और थोड़ा आज हम लोग ने रेस्ट ही किया है दोपहर में हम लोग थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर की थी महिपालपुर में और अभी हम लोग का खाना आ चुका है आज यही जंक फूड जैसा ही होने वाला है क्योंकि यहाँ पे ना आजू बाजू के एरिया में कोई भी कैफे या फिर रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं आप जा सकते हो आपको जो कुछ भी ऑर्डर करना है वो आप होटल से ही मंगा सकते हो बट होटल का खाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो इफ अगर आपको आप कॉस्ट सेविंग्स पे जैसे हम लोग कॉस्ट सेविंग्स पे तो हम लोग ने जोमेटो से मंगवा लिया है और चलेगा तो हम लोग खाते हैं और बाद में पास्ता आएगा वो भी हम लोग खाने वाले वो भी खाने वाले और बाद में ना आज थोड़ा रेस्ट ही होने वाला है कल क्योंकि ना बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है दिल्ली पूरा एक्सप्लोर करना है मतलब वो साइड चांदनी चौक साइड एंड जो भी हम लोग ने प्लेसेस सोचा है वो एक्सप्लोर करना है अभी पास्ता आ चुका है पेनी अल्फ्रेडो पास्ता यहाँ पे चालू है मिशन इम्पॉसिबल यहाँ पे और हम लोग खा रहे हैं खाना और खाना कैसा है अच्छा है अच्छा है नाइस पाए फ्रॉम दिल्ली बहुत अच्छा है खाना अभी बज रहे 12:20 आज थोड़ा लेट हो गया हम लोग को फूड हम लोग ने बाहर से ऑर्डर किया था रात का क्योंकि यहाँ का जो होटल का जो था फूड वो बहुत कॉस्टली था तो हम लोग ने बाहर से फूड ऑर्डर किया और आपको इंस्टेंट अपडेट हम लोग के इंस्टाग्राम पे आईडी पे मिलता रहेगा तो आप अगर अभी भी फॉलो नहीं करते रहोगे तो यहाँ पे नीचे आपको इंस्टा आईडी आती रहेगी तो आप फॉलो कर देना एंड अभी छोटे तो सो गया है मालूम नहीं छोटे वीडियो एंड करना है ये सोया है आज का वीडियो यहाँ तक ही रहेगा अभी कल हम लोग को पूरा दिल्ली एक्सप्लोर करना है फूड लोकेशंस कवर करनी है एंड बहुत सारी घूमने की भी लोकेशंस कवर करनी है तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं आपको वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना विद दिस छोटे के तरफ से अलविदा एंड बड़े के तरफ से अच्छी जाओ जो चलो बाय गुड नाइट जय हिंद